जन्मदिनम शुभमस्तु सदा। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपका जन्मदिन है आज, बहुत अच्छा। ये आप बर्थडे मना रहे थे, बहुत ही अच्छा। तो आपने क्या किया? केक काटा और कैंडल्स। अच्छा, केक काटा। किससे सिखाया आपको? सब लोग ऐसे करते हैं तो हम भी करते हैं। अच्छा, तो बुझाते हैं? जलाते नहीं है, बुझाते हैं। तो आप आने वाले साल की खुशी मना रहे हैं या जो साल चला गया उसका दुख मना रहे हैं? मनाते तो खुशी है। तो मुझे एक बात बताइए कि दिवाली के दिन आप कैंडल जलाते हैं कि बुझाते हैं? जलाते हैं। दिवाली जलाते हैं ना आप लोग? जलाते हो ना? जलाते हो। अच्छा, तो वो जलाते हो क्योंकि नया साल आ रहा है ना? नया साल, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हो और जलाते हो, है ना? कैंडल जलाते हो। अच्छा, जब आप गृह प्रवेश करते हो तब ये बहुत अच्छा मौका है, तब आप जलाते हो कि बुझाते हो? जलाते। तब भी जलाते हो? हाँ। अच्छा, और फिर जैसे मंदिर में जाते हैं तो? जलाते। मंदिर में भी जलाते हो, गृह प्रवेश में भी जलाते हो, नया साल जब आने वाला है तभी भी जलाते हो। तो मुझे एक बात बताइए कि आपका साल तो आने वाला है, तो आपने अपने साल को, आने वाले साल को खुशी का दिन है उसको बुझाया क्यों? सही है ना? आप लोग मानते हो मेरी बात को? जो साल आने वाला है वो मंगलमय है, आप ये दुख नहीं मना रहे हो, आप खुशी मना रहे हो। आपका जन्मदिन खुशी का है, खुशी के मौके पर दीपक जलने चाहिए, बुझने नहीं चाहिए, है ना? पर मैंने जैसे आपको पूछा कि आप ये क्यों केक काट रहे हो और क्यों जला रहे हो, तो आपने कहा जो सब कर रहे हैं वो आप कर रहे हो। तो आने वाला साल आपका खुशियों से भर जाए, आने वाला साल आपका मंगलमय हो और प्रकाशमान रहे, इसके लिए आपको दीपक बुझाने नहीं चाहिए, जलाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फ्यूचर के लिए आज के बाद आप सभी लोग संकल्प करो कि आप दीपक बुझाओगे नहीं। दीपक बुझाओ मतलब आपका आने वाला साल बुझ गया, ये हमारी संस्कृति है। दीपक जला के मंगलमय दिन की शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपका जन्मदिन है तो आपको दीपक जलाने चाहिए जितने साल के आप हो गए, बुझाने नहीं चाहिए। गाय को घास खिलाने से आपका स्वास्थ्य बढ़ता है, उस दिन घास खिलाना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए ताकि उम्र लंबी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो। भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए कि हमारी बुद्धि अच्छी हो, हमारी बुद्धि ऊंची हो। तो कभी भी आप अपने आसपास वालों को, आपके फ्रेंड सर्कल को, आप ये भारतीय संस्कृति के त्योहारों के हिसाब से आप उन्हें भी इस तरीके से जन्मदिन मनाने की मार्गदर्शन जरूर देना, ठीक है? तो आपका आने वाला साल प्रकाशमान हो, मंगलमय हो, इसलिए आपको ये जो भी कैंडल्स पड़ी है इसको जला दो, जला। जितने साल के आप हो गए उतनी कैंडल्स आप जला लो और बीच में आने वाले साल के लिए एक बड़ा सा दीपक रखो, जो आपका घर का बड़ा व्यक्ति, जैसे माता पिता हो या कोई बुजुर्ग हो। तो आने वाले साल में जब आप प्रवेश करते हैं तो बड़ों के आशीर्वाद के साथ प्रवेश करते हैं, ठीक है? तो जो आपने ये जला दी वो आपने जलाई, जो बीच में दीपक पड़ा है वो कोई भी आपके घर का बड़ा व्यक्ति जलाए। मैं जलाऊं? फिर तो शुभ शुभ। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरति मे पापम सान्य दीपो नमोस्तुते। जन्मदिनम शुभमस्तु सदा, जन्मदिनम शुभमस्तु सदा, पृथ्वी सुखदायी हो बधाई हो बधाई हो, जल सुखदायी हो बधाई हो बधाई हो। एक मिनट, एक मिनट, ये जलाई है, जला के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक तो जब आप फूंक मार के इसको बुझाते हैं तो वो चीज, तो डॉक्टर कहते हैं कि जिस ग्लास में आप पानी पीते हो वो ग्लास भी यदि 2 घंटे जूठा आप रखते हो तो उसमें भी बैक्टीरिया आ जाता है। उस ग्लास को फिर से
किसी और को नहीं पीना चाहिए, या उस ग्लास में आपको खुद को भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो झूठा होगा। पर इसको आप दूसरों को खिलाते, खुद तो खाते दूसरों को भी खिलाते, ये इतनी झूठी चीज, आप फूक में कितने सारे बैक्टीरिया होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता। बस कर रहे, न भाव मिल रहा है, न भक्ति मिल रही है, न श्रद्धा जग रही है, न प्रेम जग रहा है, न स्वास्थ्य मिल रहा है, न आने वाला साल उज्जवल हो रहा है, कोई भी कारण नहीं है मनाने का, फिर भी मनाया जा रहा है। इसको कहते हैं पाश्चात्य संस्कृति का। इसलिए आप विवेक का उपयोग करो, जिससे भाव बढ़े, भक्ति बढ़े, श्रद्धा बढ़े, प्रेम बढ़े, भारतीय संस्कृति के उत्सवों को मनाकर आपका भविष्य उज्जवल हो। यही संस्कृति आपको सिखाती है, यही ऋषि मुनि की सौगात आपको जगाती है। जन्मदिनम शुभमस्तु सदा, जन्मदिनम शुभमस्तु सदा, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, पृथ्वी सुखदाई हो, बधाई हो बधाई हो, जल सुखदाई हो, बधाई हो बधाई हो, आकाश सुखदाई हो, बधाई हो बधाई हो, सफलता सुखदाई हो, बधाई हो बधाई हो। देखा आपने, इसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पांच भूतों का सहारा लेकर मनुष्य का शरीर बना है और पांच भूतों का आश्रय लेकर हम कार्य करते हैं, वो सभी हमें अनुकूल हो, ये संतों का और शास्त्रों का आशीर्वाद है। सफलता सुखदाई हो, पृथ्वी सुखदाई हो, जल सुखदाई हो, सभी पंचभूत यदि आपको सुखदाई हो तो आपके आने वाले साल को कोई भी दुखदाई नहीं बना सकता। ये तो केवल आपने अभी जन्मदिन कैसे मनाना, इस संस्कृति के त्योहार की रीत जानी। ठीक वैसे ही हमारे सनातन त्योहार बड़े रहस्यों को लेकर, उत्तरायण कहो, दिवाली कहो, होली कहो, शिवरात्रि कहो, भिन्न भिन्न